हमारे कुल की सती सती दादी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ मेरे परिवार के सभी बुजुर्गों के, मेरी माता और बहनों के, और मेरे भाई बतूजों को मैं नमस्कार करती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मैं जो भी कुछ रही बनी वो सब आपकी मेहनत, आपका आशीर्वाद और आपका प्रयास ही था कि एक छोटे से गांव में मेरे बुजुर्ग भी यहीं आपके परिवार से थे, यहीं से गए थे और मानते हैं लोग कि खेतड़ों के बड़े गांव नहीं है, छोटी छोटी ढाणियां हैं, तो उन ढाणियों में रहने वाले की एक बेटी लोकसभा पहुंची और वहां काम किया, अच्छा काम किया। तो मैं आपका सारा श्रेय माता सती के आशीर्वाद को और आप सबको देती हूँ। मैं जहाँ भी पहुँची आप लोगों के कारण पहुँची और मैं जहाँ भी कभी पहुँचूँगी मैं जानती हूँ कि वो सब आपकी मेहनत और आपके आशीर्वाद का फल होगा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण तो दिए हैं बहुत, पर आज आपसे दिल की, परिवार की और अपनी बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे पास परिवार के ही कुछ लोग गए थे, मैं ये पहला मौका है जब माता सती के आई हूँ। मन में तो बहुत बार की थी और छत्र में चक्कर भी काफी लगाए थे, पर शायद सती दादी का हुक्म मुझे नहीं था, वो आज ही हुआ है, उनका बुलावा वो आज ही हुआ है। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मेरे परिवार के इतने सारे लोगों के और सती माता के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं आभारी हूँ परिवार के तमाम लोगों के जिन्होंने मुझे बुलाया और मैं यहाँ तक आ पहुंची। मैं कुछ पीछे आपको ले जाना चाहूंगी। मेरे से पहले मेरी माँ को एक बेटा था जो चेचक की भेंट चढ़ गया और अकाल मृत्यु हो गई करीब 6 साल की उम्र में। माँ ने तो हो सकता बेटे की चाह में ये सोचा होगा कि मेरा बेटा वापस आएगा, पर पैदा हो गई मैं। और मैं पैदा हुई तो मेरी दादी के शब्द थे कि मेरे बेटे की किस्मत में पत्थर आ गया। और मेरी माँ की जज्जगी कराने के लिए जो भुआ आई थी उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया और मातम छा गया, शोक छा गया कि बेटा गया था और आ गई बेटी। मैं 2002 में बुहाना की प्रधान बनी और मेरी बुआ के उसी बुआ के ससुराल में गई हसास में और वो चुनरी लेकर जब मंच पे मुझे उड़ाने के लिए आई तो मैंने उनको कहा कि बुआ ये वही पत्थर है जिसके पैदा होने पे तूने 3 दिन खाना नहीं खाया। तो मेरी दादी भी नहीं है आज दुनिया में, बुआ भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, पर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे एक ही भाई थे दोनों बहनों के जो बहुत 36-37 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक से चले गए थे, वो भी नहीं है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खेदड़ों के वंश में पैदा होकर अपने आप को गौरवशाली समझती हूँ, मैं भाग्यवान समझती हूँ और एक संकल्प के साथ माँ के दरबार में खड़ी होकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी ये बेटी कभी भी आपका नाम नीचा नहीं करेगी। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसके कारण कभी आपको शर्मिंदा होना पड़े, मेरे वंश को शर्मिंदा होना पड़े, मेरे भाई भतीजे और मेरे चाचा यहाँ बैठे हैं इनको शर्मिंदा होना पड़े। मैं हमेशा अपने बलबूते से बाहर लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ और मैंने किया भी है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आने के बाद कोई बिरला ही है जो बेदाग निकलता है, कोई ना कोई इल्जाम जरूर लगते हैं, पर आपकी बेटी आज फक्र से कहती है कि मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है। और मैं आज सर ऊंचा उठाकर यह कह देती हूँ कि मैं खेतड़ों की बेटी हूँ। तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहें और पहली बार मेरे लोकसभा सदस्य बनने के बाद इस उदयपुर वाटी में 7 करोड़ रुपए सांसद फंड लगा। सबसे ज्यादा पैसा मैंने इस विधानसभा क्षेत्र को इसलिए दिया कि मेरे पुरखे इस धरती पर पैदा हुए थे, मेरे दादा परदादा इस मिट्टी से उपजे थे,
तो मेरे मन में एक सोच थी, मेरे मन में एक विचार था। 2004 का चुनाव भी मैंने लड़ा था, लोकसभा का। उस समय आप लोगों से ये परिचित नहीं थी मैं ज़्यादा, और आपको शायद ये पता नहीं था कि मैं आप लोगों की बेटी हूँ। लेकिन मैंने तब भी इस क्षेत्र के लिए सोचा था कि ईश्वर ने कोई मौका दिया तो। रास्ते बहुत खराब है, अप्रोच रोड नहीं है, सारा पैसा अप्रोच रोड और पानी में लगाएंगे। और माँ ने मुझे एक मौका दिया, मैंने वो करके दिखाया। मुझे फिर अगर मौका मिला, सती दादी ने आशीर्वाद दिया, तो मैं ईमानदारी पूर्वक कहती हूँ, आज इस पवित्र प्रांगण में खड़े होकर मेरे परिवार के समस्त बड़ों के सामने कि मैं वो काम करूंगी, वो ऐतिहासिक काम करूंगी जो शायद किसी ने कभी नहीं किया होगा और शायद कोई कभी नहीं कर पाएगा। मंच पे एक बच्चा बैठा है, आरएस संजय खेतड़, मेरे स्कूल में पढ़ा है ये बच्चा, मेरे परिवार का बच्चा है, ये आपके भी परिवार का बच्चा है। लेकिन मेरे सामने पैदा होकर मेरी उंगली पकड़कर चल के वहां पढ़कर ये आज आरएस बना है, वो भी अच्छी रैंक से बना है। और अनेक ऐसे बच्चे हमारे, ये बहुत ही फख्र की बात है। बहुत सारे अनेक ऐसे लोग हैं, भाई सुरेश जी बैठे हैं मेरी तरह काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और इनका बच्चा और इनकी बहू वो भी समाज सेवा में लगे हैं। राम प्रताप जी बैठे हैं, माता जी माँ जी बैठी हैं, भाई राम सिंह जी, और अनेक मेरे परिवार के लोग, रोहतास जी, सुमन जी, अभी जो नई हमारी बहुएं चुनकर आई हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करती हूँ कि कभी जिंदगी में वो काम नहीं करना हमको जिसके कारण हमारे वंश को, हमारी सती दादी को शर्मिंदा होना पड़े। तो खेतड़ जाए, उसे मेरी एक निवेदन है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके लोगों के काम आओ, हमारे दामन पे कोई दाग नहीं लगे, ये हमको कोशिश करनी चाहिए। जो लोग हमको कहते हैं ना कि खेतड़ और खूटी का भरोसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं जाने कब गिर जाएं, तो हम ये दिखाएंगे उनको, ये हम बताएंगे, और हमने साबित भी किया कि खूटी नहीं है। अब लोग बिल्कुल लेके स्तंभ है जो आम जन के साथ, गरीब के साथ, मजबूर के साथ, पिछड़े के साथ हमारे भाई हमारे भतीजे खड़े आपको दिखाई देंगे। तो समझ जाना कि ये परहित में काम करने वाला किसी खेतड़ की औलाद है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेट जरूर आई, उधर काफी बारिश हो रही है, पानी जगह जगह भरा है, और जाना भी जल्दी पड़ेगा मुझे। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आप सबके चरणों में, पुनः दोहराती हूँ कि आपकी बेटी हूँ, कभी भी मेरी जरूरत पड़े आधी रात को आपके फोन के साथ आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगी, ये विश्वास दिलाती हूँ आपको। सती माता आप सबको आशीर्वाद दे, सबके घर में आनंद के दीपक जले, और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमसे भी बेहतरीन काम करें, यही मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।